भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब डीजल पेट्रोल की हो जाएगी छूटी। भारत को मिला तेल का खजाना, जिससे रूस और अमेरिका से लेकर अरब देशों तक आ गया भूचाल। अब अरब देश और रूस समेत कई देश के तेल के धंधे हो जाएंगे बर्बाद। यूपी से लेकर बिहार तक कई राज्यों में भारत को मिले तेल के कुएं। दोस्तों, भारत ने एक ऐसे दुर्लभ खजाना की खोज की है, जिसके लिए भारत को हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। दरअसल दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं कच्चे तेल की, जिसे भारत सऊदी अरब और रूस से अधिक मात्रा में खरीदता है, और इन्हीं देशों का पूरी दुनिया पर शासन भी चलती है, जिसका सबसे बड़ा शिकार भारत होता आ रहा है। यही वजह है कि दिन पर महंगाई आसमान छूती जा रही है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे तेल की जरूरत बढ़ती है, वैसे वैसे यह देश तेल की कीमत को बढ़ा देते हैं। और इन देशों को यह पता चल चुका है कि दुनिया के पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं तेल खरीदने के लिए हमारे पास ही आएंगे, और इसी का फायदा रूस से लेकर अरब देशों तक उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने इन सभी देशों को ऐसा झटका दिया है कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेगी, और यह सब भारत को उसकी आत्मनिर्भरता की वजह से ही संभव हो पाया है। क्योंकि भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, तब से भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनायल रिफाइनरी कंपनी भी भारत में ही मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी कंपनी मौजूद है। इसके अलावा कई और छोटी मोटी रिफाइनरी कंपनियां भी मौजूद हैं, और इन सभी कंपनियों को इन कच्चे तेल को खरीदने में बहुत सारी फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अब यह फॉरेन करेंसी बचने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की ONGC यूपी और बिहार में कच्चे तेल के कुओं को खोदकर भारी मात्रा में तेल निकालने का काम शुरू करने जा रही है। यहाँ पर इतना ज्यादा तेल है कि भारत खुद कच्चा तेल बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस तो करेगा ही साथ दूसरे देशों को भी तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि हमारी तेल की जो निर्भरता है अरब और रूस पर, वह काफी ज्यादा कम हो जाएगी। आपको बता दें कि ONGC बिहार में गंगा रिवर की बेसिन पर क्रूड ऑयल निकालने के लिए कुओं की खुदाई करने जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल के अकूत भंडार मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा बेसिन में ही एक अन्य ब्लॉक में तेल के भंडार मिले हैं, और इससे पहले भी ONGC को कृष्णा गोदावरी बेसिन में 26 तेल के कुएं मिल चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल भारत में इतना तेल मौजूद है कि भारत लगभग 100 सालों तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत की ONGC को कच्चे तेल के कुएं मिल चुके हैं, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत को अपनी जरूरत के लिए रूस, सऊदी अरब, इराक, कतर और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, जिससे हम दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीद कर उसे डीजल और पेट्रोल जैसे तेलों में कन्वर्ट करके भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों समेत यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम दूसरे देशों में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके भारी भरकम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में केवल 20% ही क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जबकि 80% क्रूड ऑयल की जरूरत के लिए हमें दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज अभी तक उठाती आई है। लेकिन अब भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी में है, जिससे भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खुद भारत में प्रोड्यूस कर पाए और कम से कम हिस्सा ही दूसरे देशों से खरीदना पड़े। और इसी बीच कच्चे तेल को निकालने के लिए भारत की ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की ONGC कच्चे तेल को निकालने के लिए नए प्रोजेक्ट की तैयारी में है, जिसमें यह दिग्गज कंपनी बिहार की गंगा बेसिन में कच्चे तेल के कुओं की खुदाई पर काम करने जा रही है। दोस्तों,
एक प्रकार से देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे पर कच्चे तेल के कुओं को खोदना और उनसे तेल निकालना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत की जो ONGC कंपनी है ये कई सालों से तेल के कुओं को खोदने और उनसे तेल निकालने का काम करती आ रही है, जिसका मतलब यह है कि ONGC को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस काम में। इसलिए बिहार और यूपी के गंगा बेसिन से कुएं खोदकर तेल निकालना ONGC के लिए उतना भी मुश्किल भरा काम नहीं है। अगर ONGC की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह भारत के कुल कच्चे तेल प्रोडक्शन में लगभग 70% और गैस के प्रोडक्शन में 80% का योगदान देती है। यह भारतीय CPSI के 7 महारत्नों में से एक है और इसके अलावा ONGC कई चुनौतीपूर्ण इलाकों में गहरे पानी के अंदर 127 कच्चे तेल के कुएं खोदे हैं और खुद को इस कंपनी ने भारत में अग्रणी ड्रिलिंग कंपनियों में से एक के रूप में एस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा ONGC ने हाल ही में जनवरी के महीने में कृष्णा और गोदावरी के डीप वाटर प्रोजेक्ट के लिए कच्चे तेल के ऑफशोर इलाकों को खोज निकाला है, जो कि बे ऑफ बंगाल में मौजूद है, और इसी के बेसिस पर इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि भारत की ONGC बिहार में जो कुएं खोदने जा रही है उसमें 100% सफलता मिल सकती है। और आपको बता दें कि ONGC जिस ब्लॉक में कच्चे तेल की माइनिंग करने जा रही है उस पूरे ब्लॉक का एरिया 300 वर्ग किलोमीटर का है। उसके लिए ONGC पहले ही 3D सीस्मिक डाटा हासिल कर चुकी है। ONGC अपने इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कुओं की खुदाई करने वाली है। पहले कुएं की खुदाई के लिए ONGC 30 से 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसी के बेसिस पर ONGC दूसरे कुएं की भी खुदाई करेगी। इससे यह होगा कि ONGC को पहले की अपेक्षा इस दूसरे कुएं की खुदाई के लिए कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, साथ ही उसे पूरे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक के लिए प्लानिंग तैयार करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर इसमें ONGC को 100% सफलता मिलती है तो यह पूरी तरह से तय है कि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों को खुद से पूरा कर सकेगा। इससे यह होगा कि भारत को दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी मौजूद है, जिससे भारत इन कच्चे तेलों को पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा और भारत को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय रूस पर अमेरिका द्वारा कई सैंक्शन लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 500 सैंक्शन अमेरिका ने रूस पर लगा दिया है, जिसकी वजह से यूरोपीय देश ऑनेल को लेकर रूस को छोड़कर भारत पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं और इस समय भारत यूरोप के पूरे ऑनेल मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया है। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच भारत ने यूरोप को 1.12 करोड़ टन रिफाइंड पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया था, जो भारत के कुल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट का 22% अकेले यूरोपीय यूनियन को जा रहा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर सस्ते दामों पर तेल बेचा था और भारत रूस के लिए सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर भी बन गया था, लेकिन अब तक रूस से रिकॉर्ड पैमाने पर तेल खरीदने वाले भारत पर भी सैंक्शंस की मार पड़ी है और अब वह अमेरिका से जमकर तेल खरीदने में जुट गया है। अगले महीने 2,50,000 बैरल कच्चा तेल अमेरिका से भारत पहुंचने जा रहा है। यह पिछले एक साल में अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल की खरीद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स है। माना जा रहा है कि स्ट्रिक्ट यूएसए सैंक्शंस की वजह से भारत अब अपने तेल इंपोर्ट में बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को जल्द से जल्द इन तेल के कुओं से तेल निकालना शुरू कर देना चाहिए ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।